नमस्कार, मेरा नाम रुखसाना है। आज मैं फिर सातवीं कक्षा का असाइनमेंट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सो आज का टॉपिक है अपूर्व अनुभव पार्ट 10। सो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अपूर्व अनुभव पाठ किसका अंश है, यानी कहानी किसका अंश है। सो लेखिका तेत्सुको कुरियानागी के बचपन के अनुभव पर आधारित पुस्तक तोतो चान का एक अंश है, यानी लेखिका का अपना बचपन का उसका अनुभव था। ठीक है, तोतो चान उसका एक पात्र था। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे, इसमें दोनों किसके बारे में कहा गया है? तो इस पाठ में, अपूर्व अनुभव में, दो पात्र हैं, यासुकी चान और तोतो चान। इन दोनों के बारे में बात की गई है। तोतो चान के अनुसार टेलीविजन किसके जैसा होता है? सो तोतो चान के अनुसार टेलीविजन एक डब्बा के जैसा होता है। जो पहले टेलीविजन आया करता था, एक बड़े बॉक्स के जैसा होता था, डब्बा के जैसा होता था। आजकल टेलीविजन तो बहुत बिल्कुल कैलेंडर के जैसे आने लगा है, पर पहले वो एक बॉक्स के जैसा आया करता था। कोशिश शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कोशिश मतलब प्रयत्न, यत्न। कोशिश मतलब ट्राई, आप जो प्रयत्न करते हो किसी चीज़ को पाने के लिए, आप जो कोशिश करते हो वो है प्रयत्न, और उसका दूसरा शब्द है यत्न। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। वाक्य में प्रयुक्त युग्म शब्द पहचान कर लिखिए। युग्म शब्द, यहाँ एक एग्जांपल है युग्म शब्द का, आमने सामने। ऐसे कई, जब आप पाठ पढ़ते हैं तो ऐसे कई उदाहरण आप देखते होंगे, जैसे सुख दुख, ऊपर नीचे, माता पिता, उसके बीच में एक योजक लगता है। ठीक है, सो वो है, वो जितने ऐसे शब्द हैं जो योजक लगे होते हैं वो युग्म शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द पहचान कर लिखिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पर वह है, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। वह कौन है? तोतो चान के बारे में बात की गई है। सो यानी अगर हम संज्ञा प्रयोग करेंगे, संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? तोतो चान उल्लास में आकर ठिठियाकर हंसने लगी, इस पाठ के अनुसार। सो उसके जगह यहाँ पर वह लगाया गया है। उत्तेजित शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। मूल शब्द में अगर प्रत्यय लगाएंगे तो उसका एक नया अर्थ बन जाएगा। प्रत्यय क्या है? मूल शब्द में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो है प्रत्यय, यानी मूल शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? उत्तेज, उसमें लगा दिया है इत। तो दोनों को मिला देंगे प्रत्यय के साथ तो क्या शब्द बन जाएगा? उत्तेजित। आठवां प्रश्न है, भेद शब्द के अनेकार्थक शब्द लिखिए। अनेकार्थक शब्द मतलब उसी का अनेक अर्थ देता है, उसको कहते हैं अनेकार्थक शब्द। भेद का अनेकार्थक शब्द क्या है? रहस्य और प्रकार। प्रकार आपने, जैसे क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है संज्ञा लिखिए और उसके प्रकार लिखिए, या संज्ञा उसके भेद लिखिए, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उसके प्रकार। और दूसरा है भेद। भेद यानी कुछ उसके अंदर का रहस्य होता है, ठीक है, सीक्रेट होता है। तो वो दो अर्थ निकल गए एक ही शब्द के। सो एक है रहस्य, दूसरा है प्रकार। धन्यवाद।